वेलकम टू राजन आई टी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में जानेंगे जो फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी ट्रेड का ऑनलाइन क्लास मेरे द्वारा चलाया गया है, जिसमें CITS एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। तो उसमें जो वीकली टेस्ट होता है हर एक सप्ताह, उसी का टेस्ट का क्वेश्चन एंड आंसर इस वीडियो में देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर एक, इससे पहले ये कह दें कि मैथ का जो मैथ क्वेश्चन जो था टेस्ट में, ट्रेड थ्री भी रहता है, मैथ भी रहता है। मैथ जो था वो ऑलरेडी जो ग्रुप है ग्रुप में जा चुका है, ठीक है, उसका आंसर। इसमें ओनली ट्रेड थ्री मिलेगा। क्वेश्चन नंबर एक का रहा है, कटिंग करने के लिए कैंची डाइस, मतलब कटिंग करने के बाद, कटिंग करने के बाद कैंची से क्या काटे जाते हैं। ऑप्शन ए है नाखून, ऑप्शन बी पेंसिल, खुली रख करके रख दें, बंद करके रख दें, ठीक है। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर है डी, कटिंग करने के बाद उसे क्या करना चाहिए, बंद करके रखना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दो है, स्विंग टेक्नोलॉजी सीखने से प्रशिक्षण आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है निर्यात, सैलून, व्यक्तित्व, बुटीक खोलने के लिए, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा डी। क्वेश्चन नंबर थ्री है, किससे टिंट बनेगा, ठीक है, किससे टिंट बनेगा। नीला, नीला दे ले, प्लस इसके साथ क्या आएगा, ठीक है। ऑप्शन है काला, गड़े, सफ़ेद, नीला, तो इसका आंसर होगा काला, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा काला। क्वेश्चन नंबर चार है, रंग के हल्केपन और गहरेपन को कहा जाता है, रंग के हल्केपन और गहरेपन को कहा जाता है, ठीक है। चार का आंसर आप लोग कमेंट में देंगे, है ना, चार का आंसर क्या होगा आप लोग इस वीडियो का कमेंट में देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइव, रंग का हल्कापन और कालापन है, तो इस पांच का आंसर है ए, वैल्यू। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सिक्स, कारीगर के कद के अनुसार मशीन का चौकी क्या होगा, मशीन का ले, मतलब कारीगर के कद के अनुसार मशीन का तारले, माल, स्टूल, चौकी क्या होगा सी। क्वेश्चन नंबर सात, अच्छी किस्म के पौधे से अच्छे बनते हैं, क्या बनते हैं अच्छे। ऑप्शन ए है रेसे, ऑप्शन बी फैब्रिक, ऑप्शन सी धागे, ऑप्शन डी गंदे वस्त्र। तो सात का जो आंसर है, सात का आंसर हो जाएगा ए, रेसे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर आठ, धागे की बटाई व वस्त्र की बुनाई से रेशों में आती है। ऑप्शन ए है शक्ति, लचकता, खुरदापन, क्या आता है। आठ का आंसर होगा सी, आठ का आंसर क्या होगा सी। क्वेश्चन नंबर नाइन, नायलॉन का वस्त्र ताप पर पिघलता है। ऑप्शन ए 380 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 420 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 440, ऑप्शन डी 482। नो का आंसर होगा डी, नो का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, कैप किस प्रकार की फैंसी आइटम है, तो 10 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 11, किससे सेट बनेगा, 11 नीला और कौन सा मिलेगा, नीला और काला, ठीक है, इसका 11 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है, योग सदा वस्त्र के किस भाग पर होता है। ऑप्शन ए है ऊपर भाग, तल्ला, पर्स, अग्रभाग, तो 12 का आंसर होगा ए, 12 का आंसर क्या होगा ए। क्वेश्चन नंबर 13, कपड़े के दोषों को छुपाने के लिए क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं, क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन ए है
पैकेट, ऑप्शन बी कट पॉकेट, ऑप्शन सी वाइल्स पैकेट। तो इसका आंसर होगा ए। 14 नंबर, यदि आप नीला और पीला रंग मिलाते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा? ऑप्शन है बैंगनी, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी लाल। तो 14 का आंसर होगा हरा। क्वेश्चन नंबर 15, रंगों के संबंधों को याद रखने के लिए उपयुक्त सर्किल चार्ट क्या है? 15 का आंसर होगा बी, रंग चक्र। क्वेश्चन नंबर 16, कैप्सी पर प्रायः कैसी पैकेट होती है? 16, ऑप्शन है कट पैकेट, ऑप्शन बी पैच पैकेट, ऑप्शन सी वाइल्स पैकेट, ऑप्शन डी सिंगल बोन पैकेट। 16 का आंसर होगा बी, 16 का आंसर हो 16 का आंसर क्या होगा 16 का आंसर होगा बी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से पेपर पैटर्न का कौन सा प्रकार नहीं है? 17 का आंसर होगा डी, 17 का आंसर क्या होगा डी, 17 का आंसर होगा डी। ठीक है, तो क्वेश्चन थ्योरी का 17 ही था, उसके बाद मैथ था, ठीक ने, तो मैथ तो ऑलरेडी ग्रुप में चला गया है, इसमें इतना ही, आगे भी टेस्ट होगा तो वहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।